प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको क्लास 11th मैथ्स के सिलेबस के बारे में बता चुके हैं। आज की इस नए वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। सेट्स होता क्या है, ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए जो सेट होता है, ठीक है, सेट का नोटेशन पहले जान लेते हैं। सेट का जो नोटेशन होता है यह एक कर्ली ब्रैकेट्स होता है, ठीक है, यह नोटेशन है, ठीक है। सेट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स में। उसके अवयवों को जो उसके एलिमेंट्स होते हैं इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या है, सेट इज कलेक्शन, सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। देखिए सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट जो है, जो समुच्चय है, वह कलेक्शन है, समूह होता है, ठीक है, किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड को हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित, ठीक है, जिसको हम लोग परिभाषित कर सकें, ठीक। उनका जो कलेक्शन होगा वही सेट है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और वे कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए क्लास 11th में आप लोग बैठे हैं। अगर ये कहा जाए कि क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11th, ठीक है, तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का जो समुच्चय है वह एक सेट है। बट अगर ये कहा जाए कि क्लास 11th के सभी ईमानदार विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि जो ईमानदारी है मींस हॉनेस्टी, नॉट डिफाइंड, हम हॉनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक, तो यह एक सेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो 11 प्लेयर्स हैं उनका सेट, उनका समुच्चय, उनका कलेक्शन, तो यह एक सेट है। बट अगर ये कहा जाए कि इंडियन क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स का समुच्चय, जो गुड प्लेयर्स हैं उनका कलेक्शन, ठीक, तो हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, गुड प्लेयर्स को नहीं डिफाइन किया जा सकता, इसलिए यह एक सेट नहीं है। जैसे कोई रोहित शर्मा को लाइक करेगा, कोई विराट कोहली को, ठीक, और कोई रहाणे को, तो आप वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से गुड प्लेयर्स हैं, ठीक। तो गुड प्लेयर्स अपने आप में एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, इसलिए यह एक सेट नहीं है, ठीक। जैसे कहा जाए कि इंडिया के सभी टैलेंट, जो सभी टैलेंट राइटर्स हैं उनका सेट, तो ये एक सेट है नहीं, ये भी एक सेट नहीं, क्योंकि हम लोग टैलेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वह टैलेंट्स किस क्षेत्र में हैं ये हमको डिफाइन करने में बहुत ही परेशानी होगी, मीन्स हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक। आगे जैसे ये कहा जाए कि किसी गली या मोहल्ले में सुंदर या सॉरी खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत लड़के लड़कियों का समुच्चय या लड़के लड़कियों का कलेक्शन, क्या एक सेट है, नहीं, खूबसूरती इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि खूबसूरती मन की हो सकती है, विचारों की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो यह एक सेट नहीं है। ऑलवेज सेट होता क्या है, सेट किसी का नाम, ठीक है, अल्फाबेट्स, जितने नंबर्स हैं
रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सब का जो कलेक्शन है यह एक सेट है, ठीक है। और जैसे सभी इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, इन सब का कलेक्शन क्या एक सेट है? हाँ, ये एक सेट है, इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान लिए। आइए हम लोग जो हमारे इस सिस्टम में यूज होने वाले नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से नंबर इस हमारे सिस्टम में यूज होंगे, ठीक है। पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसको जितने भी काउंट करने वाली संख्याएं हैं, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है, वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक नेचुरल नंबर्स है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक होता है होल नंबर। होल नंबर्स में हम लोग W से डिनोट करते हैं, मीन्स पूर्ण संख्या। इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 16 डॉट, ठीक है। एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम लोग जेड से आर या आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जीरो आता है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अगर कह दिया गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं, ठीक है। और कह दिया गया नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 इन सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जीरो को नहीं इंक्लूड करते, न तो पॉजिटिव इंटीजर में, न तो नेगेटिव इंटीजर में। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है, यह एक न्यूट्रल नंबर होता है, उदासीन संख्या होती है, ठीक है। इसके सामने प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है, ठीक। आगे जैसे जो हमारे धन पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनको हम लोग डिनोट करते हैं आई प्लस से या जेड प्लस से। ये ध्यान दीजिएगा, जब जेड प्लस की बात आएगी या आई प्लस की बात आएगी, तो वहां हम लोग केवल 1, 2, 3, 4, 5 ये चीजें लेंगे, ठीक है। और जब जेड माइनस की बात आएगी, मीन्स नेगेटिव इंटीजर की बात आएगी, तो वहां हम लोग केवल -1, -2, -3 एंड सो ऑन ये सभी चीजें लेंगे, ठीक है। अगला है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं x such that x equal to p by q, ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग टू i, r जेड कर दीजिए। p और q कैसे हैं? इंटीजर हैं। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जो रेशनल नंबर होता है वह p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, और p और q जो होते हैं वह एक इंटीजर्स होते हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड है। जीरो अंश में हो सकता है, न्यूमरेटर में हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में हो गया तो वह नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वह एक सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, इसमें जैसे आपका √2, √3, √5, ठीक, √7, ठीक, और √6 भी ले सकते हैं आप, ठीक, √6, √7 एंड सो ऑन, ये सभी कैसे हैं? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और ये कैसे नंबर्स हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में मिला दिया जाता है, मीन्स क्यू
और किसको क्यू डैश को अगर आप आपस में मिला दें, ठीक यूनियन है इसका, तो हमको मिल जाता है आर। आर मीन्स रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स कहाँ डिनोट किए जाते हैं? ये नंबर लाइन पे डिनोट किए जाते हैं, नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे ये रियल नंबर्स डिनोट किए जाते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, बट उसमें पॉइंट के डेसिमल इंक्लूड नहीं होते। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये इंटीजर में नहीं आते हैं, ये किस में आते हैं? ये रियल नंबर्स में आते हैं। इंटीजर्स में केवल हम लोग 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 ये सभी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो इतने नंबर सिस्टम्स हमारे इस सिस्टम में यूज होंगे सेट्स में, इसको आपको अच्छे तरीके से जान लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ जो भी इसके अंदर जैसे जो लिखे गए हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 ये सेट्स के क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स होते हैं। ये सेट्स के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किए, और इसके जनरली जो हम सेट को लिखेंगे वह हम लोग अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखिए N, W, I, Q, Q डैश ये सभी कैसे हैं? कैपिटल लेटर्स हैं। मीन्स जो वर्णमाला है उसे बड़े अक्षरों से प्रयोग करके सेट को लिखते हैं, और जो उसके अंदर से एलिमेंट्स होते हैं उसको ऑलवेज स्मॉल में लिखते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर कोई भी एलिमेंट्स इस सेट का एलिमेंट्स है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे वन इस नेचुरल नंबर में है कि नहीं है, ठीक। अगर वन नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है, अवयव है, तो इसको हम लिखते हैं वन इज एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ एन, ऐसे लिख देंगे। वन इज एन एलिमेंट ऑफ वन, या वन बिलोंग टू एन, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू, क्या बोलेंगे? बिलोंग टू, ठीक। रीड क्या करते हैं? बिलोंग टू, वन बिलोंग टू एन। या दूसरा चीज क्या रीड कर सकते हैं? कि वन इज एन एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, वन इज एन एलिमेंट ऑफ वन, ऐसे लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, कि वन जो वन है, वन इज एन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ एन, जो वन है वह इस एन का एलिमेंट्स है। इसी तरीके से हम लोग जो जीरो है, इस जीरो को क्या लिख सकते हैं हम लोग? जीरो इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक। मीन्स जीरो इज एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक। क्या हम ये लिख सकते हैं जीरो इज एलिमेंट ऑफ एन? नॉट। क्यों? क्योंकि जीरो इस एन में नहीं बिलोंग करता है, जीरो इसमें नहीं है, तो हम यहां क्या लगा देते हैं? ऐसे क्रॉस। मीन्स जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, ठीक। जीरो जो है वह एन का एलिमेंट्स नहीं है, ठीक। तो ये हुई बातें, इसको आप नोट करिए, आगे फिर बता रहे हैं। नाउ बच्चों, अब देखिए जो हमारी अगली टॉपिक्स है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, कितने प्रकार से समुच्चय को निरूपण किया जा सकता है, ठीक है। समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित करते हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, रोस्टर और टेबुलर मेथड मीन्स, रोस्टर मीन्स तालिका या सारणी विधि, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। देखिए जो रोस्टर फॉर्म होता है ये क्या है? इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इनक्लोज बाई ए कर्ली ब्रैकेट्स। मीन्स समुच्चय जो ये तालिका या सारणी विधि होती है, इसमें सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उसके बीच में कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। नोट में यहां क्या लिखा गया है? व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में किसी भी
एलिमेंट्स को रखेंगे तो वहां रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपके पास जैसे स्कूल है SCHOOL, अगर हम लोग इसको सेट फॉर्म में लिखें तो सेट फॉर्म में लिखेंगे तो SCH, आप दो बार वो नहीं लिखेंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, केवल एक बार वो लिखेंगे L, ठीक है। जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। या दूसरा जैसे फॉलो का एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर इसको बनाते हो तो इसमें भी क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, O लिखेंगे, डबल L है तो एक ही बार L लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डबल O भी है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, ठीक। मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब हम लोग लिखेंगे तो उसके बीच कामा लगाएंगे और एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है। चलिए दूसरा देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये एक समुच्चय निर्माण विधि, हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, मीन्स प्रॉपर्टी मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है कि जैसे हम लोग सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज कर दिए, उनके बीच में कामा लगा दिए, अब उसको हम लोग एक प्रॉपर्टी या एक रूल में लिख दें ताकि कि वह सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दे, वही है। देखिए इन दिस मेथड वी राइट द प्रॉपर्टी आर रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, जो हमको क्या दे देता है, उस सभी एलिमेंट को दे देता है जो हम उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक। लिखा कैसे जाता है, ए इज इक्वल टू, सपोज करिए ए कोई सेट है जिसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है, सच डेट, ये सच डेट पढ़ा जाता है जो कॉलम लिखा है ऐसे डैश है, पीएक्स, पीएक्स क्या है, पीएक्स इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी है, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग इससे डिनोट कर दिए हैं पीएक्स से, ठीक है। वेयर पीएक्स इज द प्रॉपर्टी बाय विच एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, जो एक्स है वह किसका एलिमेंट्स है, इस सेट ए का एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, करवा दे रहे हैं इस पे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे, ठीक है, इसको नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पर, कि उसको आपस में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सपोज करिए एग्जाम्पल फर्स्ट है कि ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इक्वल टू टू एन फॉर एन बिलोंग टू कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए देखिए इसको हमको एक्सप्रेस करना है रोस्टर फॉर्म में, मीन्स तालिका सारणी विधि में लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू देखिए यक्स किसका एलिमेंट है, एन का एलिमेंट है, जो यक्स आएगा वह क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, और यक्स इक्वल टू कितना है, टू एन है, और एन कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में, मीन्स यक्स इक्वल टू टू एन, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आपको बताया गया था कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर। तो एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, सो डॉट डॉट, मीन्स ये 2, 4, 6, 8 जो ये कैसी नंबर्स आ रही हैं, ये एक इवन नंबर्स हैं, ये हमारा एक्सप्रेस किस फॉर्म में हो गया, एक्सप्रेस हो गया रोस्टर फॉर्म में, और ये दिया किस में गया था, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ऐसे दे देता तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते कि इसकी प्रॉपर्टी को लिख देते कि यक्स सच डेट यक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, ये पूरा यक्स है, एलिमेंट किसका है, एन का, एन में देखिए 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी हैं, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू टू एन, टू एन मीन्स एन बराबर 1, 2, 3, 4 रखिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है, मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ और ये इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करिए एक सेट बी है, सेट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच डेट एक्स लेस देन 4, ठीक है, एक्स लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स पे बिलोंग करता है। जरा ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा गया है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, मीन्स एक प्रॉपर्टी मेथड में लिखा गया है,
होल नंबर्स है। अब होल नंबर्स अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जीरो से। W इक्वल टू कितना था, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, और x की कौन सी वैल्यू लेनी है जो 4 से छोटी हो, x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 4 से छोटी हो। 4 से छोटी मीन्स यहाँ 4 तक नहीं जाना है पूरा, आपको 3 तक लेना, मीन्स 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना, और करना क्या है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो आपको सेट के अंदर क्या मिला, सेट के अंदर मिला b इक्वल टू ये 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन है, अगर लेस आर इक्वल टू लेस था तो हम 4 भी लेते तो यहाँ 16 हो जाता, बट केवल लेस देन है इसलिए केवल 3 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, ये आपका रो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। और ये किस में हो गया कन्वर्ट, ये रोस्टर में हो गया या आर टेबुलर में, ठीक है, ये रोस्टर में, ये भी किस में हो गया, रोस्टर में, ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए तीसरा एग्जांपल आपको दिया गया है, एक सेट है ए, ए इक्वल टू 2, 5, 10, 16 एक मिनट 17 मान लो, ठीक है। अगला है 26, ठीक। ये अब यहाँ देखिए, ये एक सेट के अंदर लिख दिया गया, ये कौन सा है, रोस्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे है, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हैं और उनके बीच में क्या प्रयोग किया गया है, कामा प्रयोग किया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी को लिख दीजिए, ताकि यही एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखी कि इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। अब देखिए, आइए हम लिख देते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, यक्स सच डेट यक्स इक्वल टू, ये देखिए 2 आया है, फिर 5 है, फिर 10 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एन स्क्वायर प्लस 1। जरा ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर प्लस 1, एन क्या है, एन एक हमारा नेचुरल नंबर्स है, वेयर एन बिलोंग टू कैपिटल एन, एंड कहाँ तक है, देखिए एन इक्वल टू 1, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 16, 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। मीन्स n की वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, ये n 1 से लेकर कहां तक गए हैं, 5 तक, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी हुई, मीन्स ये रोस्टर फॉर्म से हम कन्वर्ट किस में कर दिए, इसको एक्सप्रेस किस में कर दिए, ये एक्सप्रेस कर दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक। ये है तरीका हम लोगों को एक्सप्रेस करने का। आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप लगाइएगा, ठीक। और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे सपोज करिए एक एग्जाम्पल ये है कि एक सेट के अंदर लिखा गया है 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 6, ठीक, इतना मान लीजिए। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ हम लोग लिख देंगे a इक्वल टू, ठीक है, कितना x सच डेट x इक्वल टू, देखिए जितना ऊपर है ऊपर से एक ज़्यादा नीचे है, ऊपर एक तो नीचे दो, यहाँ दो तो यहाँ तीन, यहाँ तीन तो यहाँ चार, यहाँ चार तो यहाँ पाँच, यहाँ पाँच तो यहाँ छः, मीन्स ऊपर अगर n तो नीचे n प्लस 1, उससे एक अधिक। और n कहाँ बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर्स है, सभी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, और कहाँ से कहाँ तक है, एक से पाँच तक है, मीन्स 1 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू 5 तक, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 5 तक। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे फिर हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला है एम्प्टी सेट, एम्प्टी
सेट और नल सेट। नल सेट जिसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको जो डिनोट किया जाता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक, या ओनली ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ठीक है। एक ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता वह क्या है? एम्प्टी सेट की कैटेगरी में रखा गया। जैसे सपोज करिए एक सेट है ए, ए इज इक्वल टू यक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, वेयर एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक। जो सेट ए है, अब बताइए क्या इसमें कोई एलिमेंट्स मिलेगा हमको? यक्स इज एलिमेंट ऑफ आई, आई मीन्स एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स कोई भी लीजिए, क्या किसी इंटीजर्स का स्क्वायर करने के बाद माइनस आएगा? कभी नहीं आएगा। इंटीजर्स में आपको हम याद दिला दें क्या था, जीरो था, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, ठीक, एंड सो ऑन, ये सभी बातें थी, ठीक, ये सभी नंबर्स थे। तो अगर इसमें आप जीरो लेते हैं, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो, माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? हमेशा वन आएगा, माइनस नहीं आएगा। इसलिए यह एक कैसा सेट है? यह एक एम्प्टी सेट है, ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कहा जाए यक्स सच डेट यक्स इज एलिमेंट्स ऑफ, यक्स जो है, ठीक है, ये बिलोंग करता है किसके अंदर? ये, और यक्स है एक एलिमेंट्स एन का, नेचुरल नंबर का। क्या ऐसा हो सकता है कि दो से छोटा एक से बड़ा कोई नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं? नेचुरल नंबर्स में वन टू, तो एक से बड़ा दो से छोटा कोई नेचुरल नंबर आएगा? नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, मीन्स ये भी क्या है? फाई है, एक एम्प्टी सेट है। या आपसे कह दिया जाए कि जो हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है दो, दो से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं है, वहाँ पर भी हमको एम्प्टी सेट मिलता है, ठीक है। तो ये है नल सेट। दूसरा है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसको बोलते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा सेट जो केवल एक सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता है वह क्या होता है? वह सिंगलटन सेट होता है। मीन्स जैसे इस सेट के अंदर टू, माइनस सेवन, ठीक, जीरो, ये सभी कैसे हैं? सिंगलटन सेट में आए। या आप दो 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 कई बार लिख दीजिए, तो कई बार लिखने का नो मीनिंग्स, कोई मीनिंग्स इसका नहीं होता है। ये कितनी बार माना जाएगा? केवल एक बार माना जाएगा, पीछे हम आपको बताए। मीन्स ये भी किस कैटेगरी में आएगा? एक सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आएगा। यह एक एकल समुच्चय है, ठीक है। तो ये हुआ एकल समुच्चय। अगला है तीसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसको कहते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित समुच्चय क्या होता है? ए सेट हैव कंटेनिंग फाइनाइट नंबर्स या फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे एक सेट ए है, इसके अंदर ए ई आई ओ यू, ठीक है, वॉवल्स जितने हैं ये हमारे फाइनाइट सेट। अल्फाबेट लिख दीजिए वह कितने हैं? वे फाइनाइट्स हैं। ए इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? एक, तीन, पाँच, सात, सो डॉट डॉट, ऐसे करके लास्ट में अगर हम लोग यहाँ लिख दें 21, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा फाइनाइट में है। लास्ट वाला हमको पता हो गया, अगर यही सो डॉट डॉट छोड़ देते करके तो ये क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाता। अगला जो है हमारा तीसरा, या फाइनाइट सेट की कैटेगरी में एक और आता है, सेट ऑफ ऑल पर्संस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सभी व्यक्तियों का समुच्चय एक फाइनाइट सेट है। इसको गणना के द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला इनफाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को कहते हैं अपरिमित समुच्चय। एक ऐसा सेट
जो जिसके अंदर अनंत एलिमेंट हों, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आपको ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाए, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो डॉट डॉट, तो कहां तक जाएंगे? फिक्स नहीं है, यह किसकी कैटेगरी में आएगा? अपरिमित की। या एक दूसरा सेट बी इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो डॉट डॉट, अब ये सम संख्याएं कहां तक जाएंगे? पता नहीं कहां तक गिनेंगे, तो ये किस में आएगा? इनफाइनाइट सेट में आएगा, ठीक। या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन, जैसे एक कोई लाइन है, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इन सबका सेट, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये किस में आता है? इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। कोई एक सर्कल है, तो वह सर्कल एक पॉइंट से कितने सर्कल पास किए जा सकते हैं? तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल को पास कराया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो इसको नोट करिए। अगला है इक्वल सेट, पांचवा, ठीक है, इक्वल सेट मीन्स समान समुच्चय। दो सेट इक्वल कब कहे जाएंगे? सपोज करिए ए एंड बी टू सेट्स हैं, ये इक्वल कब होंगे? जब ए इक्वल टू सपोज करिए ए बी सी, और बी इक्वल टू कितना हो? बी सी ए या सी ए बी, ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आप चाहे इसको ऑर्डर्स में लिखिए या डिसऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट्स में, तो ए बी सी लिखिए चाहे बी सी ए लिखिए, केवल इन सबके एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ठीक। देखिए ए बी सी, ए यहाँ है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ, ठीक, तो इसके सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं, मीन्स ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो ये हो गए कौन से? इक्वल सेट्स हो गए, ठीक। अगला है हमारा छठवा, इक्विवेलेंट सेट जिसको बोलते हैं तुल्य समुच्चय। देखिए तुल्य समुच्चय क्या होता है? जो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट मीन्स तुल्य समुच्चय, दो फाइनाइट सेट, ध्यान रखिएगा कैसे सेट होने के ही, दो फाइनाइट सेट ही इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, ठीक। टू फाइनाइट सेट, सपोज करिए ए और बी दो कैसे सेट हैं? फाइनाइट सेट हैं। ये इक्विवेलेंट्स कब होंगे? जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मींस दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वे कैसे होंगे? इक्विवेलेंट सेट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे सपोज करिए एक सेट ए है, सेट ए ए बी सी है, दूसरा सेट बी है पी क्यू आर, ठीक, तो केवल आपको नंबर्स ऑफ एलिमेंट से मतलब है, इसके एलिमेंट से नहीं मतलब है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, किसमें? इक्विवेलेंट सेट में, मीन्स एन ए इक्वल टू कितना है? 3 है, एंड एन बी इक्वल टू कितना है? 3 है, तो एन ए इक्वल टू एन बी, दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। एक चीज ये, हम लोग जो इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। जैसे इस केस में देखिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जितने इसमें हैं, सभी इक्वल सेट, वे क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट हैं ना, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट्स, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि सभी इक्विवेलेंट जो सेट हों वे इक्वल सेट की कैटेगरी में आए, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल ले लो, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? ये इक्वल सेट नहीं है, बट कैसे हैं? इक्विवेलेंट्स हैं, बट ये इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं? एन ए इक्वल टू 3, एन बी इक्वल टू एन बी इक्वल टू 3, तो एन ए इक्वल टू एन बी, यहाँ दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट भी हैं, ठीक। तो एक चीज ये ध्यान लीजिएगा कि सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, और जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वे इक्वल सेट
नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे कितने टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं ये आपको एक्सप्रेस कर दिया गया। आज हम लोग अपने पूरे लेक्चर में सेट को पढ़े, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा गया, ठीक है, सेट को कैसे निरूपित किया जाता है, और टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ा गया, और उस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए। ठीक है, तो आई होप आज आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ लिए होंगे। जो न समझ में आए या न आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।